हार्ट अटैक का दर्द कैसा होता है या हार्ट अटैक के दर्द में कैसा महसूस होता है। तो हार्ट अटैक का दर्द कितना होगा, कैसा महसूस होगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक कितना सीवियर है, जो हार्ट का हिस्सा है वो कितना डैमेज हो रहा है, जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज कितना ज़्यादा है या किस लेवल पे ब्लॉकेज हो गया, उस हिसाब से हार्ट अटैक का जो दर्द है उसकी सीवियरिटी उस हिसाब से होती है। बहरहाल अगर किसी को मेजर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है तो ज़्यादातर केस में जो हार्ट अटैक का हिस्सा है, क्योंकि हार्ट का कुछ पोर्शन डैमेज होता है मरता है, उस केसेस में पेन का सेंसेशन बहुत तेज होता है। तो हार्ट अटैक का जो पेन है काफ़ी तेज होता है इंटेंसिटी में, ऐसा फीलिंग होता है कि सीने के अंदर किसी ने भारी बोझ रख दिया है या सीने को कोई दबा रखा है या कोई जकड़ रखा है, इस तरह की फीलिंग आती है, एक मरने का एहसास होता है। अगर पहली बार हार्ट अटैक हुआ है तो इस तरह का दर्द उससे पहले जीवन में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और ये दर्द गैस की दवा खाने से नहीं जाता, ये दर्द रेस्ट करने से नहीं जाता, मतलब कि कंटिन्यूअसली बना रहता है। तो हार्ट अटैक का पेन बना रहेगा, बैठने पे भी बना रहेगा, और ये दर्द में सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द के साथ में तेज उल्टी आ सकती है, पसीना आ सकती है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, एकदम से एक्सट्रीम वीकनेस वगैरह हो सकती है। और ये जो हार्ट अटैक का पेन है ये सीने के बीच में एपिगैस्ट्रिक एरिया में होता है और सीने के बाईं तरफ ज़्यादा होता है, तो बीच में होना और बाईं तरफ होना, कुछ केसेस में बाएं शोल्डर की तरफ जा सकता है, बाएं हाथ में जा सकता है, और गर्दन में और जबड़े के आसपास भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो हार्ट की लोकेशन के चारों तरफ ये, चूँकि नर्व एंडिंग होती हैं जो पेन ले जाती हैं, तो इस तरीके से ले जा सकती हैं। बहरहाल जो पेन है वो बहुत ही तेज इंटेंसिटी का होता है अगर ज़्यादा डैमेज हुआ है। बट अगर हार्ट अटैक में एक कोई छोटी सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, एक छोटा सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, तो उस केसेस में जो हार्ट अटैक का हो सकता है पेन बहुत कम आए, या हो सकता है ना भी आए, आए भी तो कुछ बर्निंग सा, कुछ जलन सा अनुभव हो जाए। कुछ लोगों में जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग जो आईसीयू में एडमिट हैं, ऐसे लोग जिनको क्रोनिक इलनेस है, डायबिटीज है, कई बार उनको दर्द होता भी नहीं है, क्योंकि जो नर्व पेन को ले जाती है वो काम नहीं कर सकती। तो डायबिटीज वगैरह में कई बार साइलेंट एम आई होता है, दर्द नहीं होता बल्कि उनको सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, थकान हो जाना, चक्कर आना, इस तरह से लक्षण आते हैं। तो एकदम से क्लियरली नहीं बोला सकता कि इसी तरह से हार्ट अटैक का पेन आता है, बट पेन अगर मेजर आर्टरी इन्वॉल्व हुई है तो काफ़ी तेज इंटेंसिटी वाला रहेगा, बाएं साइड में या बीच में रहेगा, कंधे तरफ जाएगा, एक्सट्रीम वीकनेस लगेगी, ठंडा लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, ऐसा लगता है कि जान चली जाएगी, मर जाएंगे, इस तरह का हार्ट अटैक के पेन में अनुभव होता है, और वो आराम करने से नहीं जाता और वो गैस की दवा खाने से नहीं जाता है। अगर गैस की दवा खाने से दर्द कम हो रहा है तो मतलब गैस्ट्राइटिस का दर्द है, और आराम करने से कम हो जाता है, बैठने से और चलने से बढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ता है, तो इसका मतलब वो एंजाइना का दर्द है। एंजाइना मतलब कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, क्यों, ल्यूमन ब्लॉक होने के कारण। बट जैसे ही आप शरीर को रेस्ट देते हो, हार्ट को रेस्ट देते हो, तो जितना ब्लड फ्लो चाहिए हार्ट को उतना मिलने लगता है और दर्द फील गायब हो जाता है। वो हार्ट अटैक का कैसा पेन होता है उसके बारे में जानकारी थी। आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल रहेगी समझने में, दर्द को आइडेंटिफाई करने में। सो थैंक यू।